तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं नेस्टेड इफ के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास एक डेटा है जिसमें यहाँ पे दी गई है कि किस किस ने अपना आईडी प्रूफ जमा किया, कौन सा आईडी प्रूफ जमा किया है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे शो करना है कि स्टेटस में कि किसने कौन सा आईडी प्रूफ जमा किया है। तो इस पे हो सकता है दो या दो से ज़्यादा आईडी प्रूफ जमा किया हो, लेकिन मुझे जस्ट यहाँ पे जो आईडी प्रूफ शो किया है ना वही शो करना है। जैसे कि मान लीजिए कि इसने कुछ भी आईडी शो नहीं किया तो इस पे पेंडिंग शो करना है, और इसमें जो है शो किया है डीएल तो मुझे डीएल करना है, इसमें किया है इसने पैन यहाँ पे पैन शो करना है, यहाँ पे इंदर ने दो वोटर और ई पासपोर्ट जमा किया है तो हमें बस वोटर पहला ही देखना है क्योंकि तो एक ही चाहिए हमें, क्योंकि उसने दो दे दिया तो हमने ले लिया। तो इस तरह से मुझे चाहिए, तो इसके लिए हम एंड और फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि अलग अलग रिजल्ट है। यहाँ पे नेस्टेड इफ लगेगा कि इफ अगर यहाँ इक्वल टू वाई है तो पैन को शो कर दो। ठीक है, हमने हेडिंग ही ले लिया, आप इन्वर्टर कॉमा में पैन भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने हेडिंग ही डायरेक्ट ले लिया। कल के डेट में चेंज होगा तो अपने आप यहाँ भी चेंज हो जाएगा। इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो डीएल शो करो, और मैं इसको फ्रीज करते जा रहा हूं ताकि नीचे ड्रैग करने में दिक्कत ना हो। फिर अगर इक्वल टू वाई है तो यहां पे वोटर शो करो, फिर यहाँ पे इफ अगर ए इक्वल टू यू आई डी सॉरी वाई है तो यू आई डी को शो करो, और अगेन इफ लास्ट अगर ए इक्वल टू वाई है तो इक्वल तो पासपोर्ट को शो करो, अदरवाइज पेंडिंग, क्योंकि यहाँ पेंडिंग होने की एक ही चांस है जब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आ गया, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पे सिंपल वही है कि अगर ए वाई हुआ तो रिजल्ट शो कर देगा, इसको पूरे को इग्नोर कर देगा, अगर नहीं तो फिर दूसरा इफ चलेगा, दूसरा इफ चेक करेगा, अगर ए वाई है तो रिजल्ट शो के तीसरे चौथे पांचवें इफ को इग्नोर कर देगा, यहीं पे स्टॉप करके फॉर्मूला से बाहर आ जाएगा, नहीं तो फिर चौथा इफ चलेगा और इसी प्रोसीजर को आगे करता जाएगा, जब लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा देन शो करेगा पेंडिंग। इसको एल्स इफ कहा जाता है। ठीक है, एल्स इफ, राइट सर। लेकिन कब क्या हो, जब आपके कंडीशन मिक्सअप हो, जैसे कि यहाँ कि पैन होना ही चाहिए, पैन के अलावा एक होनी चाहिए, तो एक होना चाहिए, तब क्या करेंगे। हालांकि इसके लिए हमने इफ और एंड और इसका फॉर्मूला लगाया हुआ है और का, लेकिन क्या इसको नेस्टेड इफ से किया जा सकता है? जी हाँ, जरूर किया जा सकता है। आप यहाँ पे इक्वल लगाइए इफ, तो पहला लगाया कंडीशन दैट इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये जरूरी है। उसके बाद मैंने जो है बाकी के इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में डाल दिए, बाकी जो हमने ऊपर लगाया ना वो लगेगा। सिंपल सा, अगर यहाँ पे वाई हुआ, यहाँ पे वाई हुआ तो यहाँ पे हम डीएल शो करना चाहते हैं। ठीक है, देन इफ अगर ए इक्वल टू वाई हुआ तो हम तो वोटर शो करना चाहते हैं, और फिर यहां पे अगेन इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो हम यूआईडी शो करना चाहते हैं, अगेन इफ अगर पासपोर्ट इक्वल टू वाई है तो हम पासपोर्ट को शो करना चाहते हैं, अदरवाइज अदरवाइज पेंडिंग। अब यहाँ पे पेंडिंग होने के दो चांसेस हैं, कैसे, एक जब पैन ना होगा तब, एक इसमें से कोई एक ना होगा तब, इसलिए हमें दो बार लिखना होगा मतलब इसको।
अब ये एरर आया, एक बार देखते कि एरर क्यों आया। तो पहला इफ चला और इसने यहाँ पे, अच्छा ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे इफ जितने इफ थे वो क्लोज नहीं किए, ये देखिए क्लोज करना होगा। ठीक ठीक है सर, अब रिजल्ट आएगा। अच्छा ऐसा प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार हटा देता हूँ, एंटर मारता हूँ, पेंडिंग आया। अब लास्ट वाले ब्रैकेट जो दिख रहा है ना सर, उसमें जाके पेंडिंग डाल, हाँ ठीक है, समझे? मेरे को ये समझ नहीं आया। अगर क्या दिक्कत आ रही होता है ये सर, देखिए फॉर्मूला को एक बार। फॉर्मूला खोलिए। हाँ ठीक है, ये अगर ये वाई है तो फिर ये वाला वाई हो तो ये मैसेज शो कर दे। ठीक है, अगर ये डी वाला वाई हो तो ये मैसेज शो कर दे, अगर ई वाला वाई हो तो ये मैसेज शो कर दे, एफ वाई हो तो ये मैसेज शो कर दे, अदरवाइज पेंडिंग कर दे। तो ये आपका सेकेंड इफ से यहाँ तक पेंडिंग खत्म। अब ये पहले वाले इफ का आंसर है पेंडिंग लास्ट का, है ना? डी जी का आंसर है लास्ट वाला पेंडिंग, है ना? जी 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 अब तो समझ में आ गया, बोलते समझ में नहीं आया। चलिए समझ में आया ना सर, आगे बढ़े। हाँ अब हम बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के, ठीक है? ठीक ग्रेड सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि किस यहाँ पे किसी का स्कोर है या मार्क्स का, देखिए यहाँ पे मार्क्स है और मुझे इस पे ग्रेड देना है, तो ग्रेड में कहता है कि 0 to 40 है, 0 to 40 है, तो मैं यहाँ दूंगा ए ग्रेड। 41 to 80 है तो ए ग्रेड, माफ कीजिए ये नहीं, सी होगा ना, उल्टा कर दिया हमने, बी ग्रेड। 41 to 60 कर देता हूँ, और 61 to अगर 90 तक है तो मैं देता हूँ ए ग्रेड, और ग्रेटर देन 90 है तो देता हूँ ए प्लस। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबके लिए कुछ है ना, कुछ है ना, कुछ है, कोई ऐसा नंबर है जिसके लिए ना हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, हम सिलेक्ट करेंगे कि क्या A5 लेस द इक्वल टू 40 है, अगर ऐसा है तो तुम सी ग्रेड दो और फॉर्मूला को खत्म करो। अब 40 से नीचे नहीं है तो तुम दूसरा इफ चलाओ और चेक करो कि क्या ए 60 से नीचे है, अगर है तो यहीं पे बी ग्रेड दो और काम खत्म करो, फॉर्मूला आगे करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो फिर हम वापस इफ इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि क्या ए इक्वल टू 90 90 सर। इक्वल टू 90 है, अगर है तो ए ग्रेड दो, नहीं है तो फिर चेक करो कि क्या ए ग्रेटर देन ग्रेटर नहीं 95 है, 90 है, रहे तो ए प्लस का ग्रेड दो, नहीं तो इसमें नहीं तो कुछ करने के सिस्टम ही नहीं है, हर किसी ने कुछ ना कुछ आया है, सिर्फ एल्स का कोई देने की जरूरत ही नहीं है, तो एल्स पड़ेगा नहीं क्योंकि हर तो एल, हर इफ तो पहले इफ के एल्स पार्ट में ही है, तो ऑलरेडी तो एल्स हम दे ही चुके हैं इसमें, समझे? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं, अगर ये पहले 40 से नीचे है तो सी शो कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जरा 60 से नीचे है तो बी शो कर दे, तो ये मेरे को नहीं समझ में आया कि 60 से नीचे तो 40 के नीचे वाला भी आ जाएगा। सर आपने देखा नहीं, अगर 40 से नीचे है तो सी शो कर देगा तो बाकी थोड़ी चलाएगा। अच्छा तो वहां पे अपने आप से समझ लगा कि अगर मिल गया तो वहीं पे शो कर देगा, उससे नीचे नहीं चलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 दरवाजे हैं, 5 कमरे हैं, तो आपको पहले कमरे में जाना है, तो पहला कमरा आपका 40 से नीचे वाला है, दूसरा कमरा 60 से नीचे वाला है, तीसरा कमरा आपका 90 से नीचे वाला है, और चौथा कमरा 90 के बाद वाला है। तो आप अगर 35 है तो आप पहले कमरे में घुस गए, दूसरे
दूसरा तीसरा चौथा कमरा थोड़ी खोजेंगे आप। ठीक है, अब हम इसमें इफ और एंड भी लगा सकते हैं ना सर वैसे तो? एंड लगा सकते हैं लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, एंड लगाओगे तो खामखा फॉर्मूला आपका कॉम्प्लिकेट होगा। एंड कभी कुछ करते हैं जब पढ़ेगा बीच बीच में से हो, ऐसा हो कि भाई 10 से 20 है, फिर 50 से 60 है, फिर 70 से 80 है, तो समझ गए ना, ठीक है, समझ। एक कंटिन्यूस स्लैब है तो इसमें हमें एंड की जरूरत नहीं। अगर आप लगाते हैं तो फॉर्मूला को हैप्पी कर रहा है। हाँ ठीक। अब इसी तरह से एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सेल्स है, अब मुझे इसमें इंसेंटिव देना है। क्या देना है? इंसेंटिव। इंसेंटिव कहता है कि अगर 0 to 40 है, नहीं हाँ 0 to 40 है तो 500, 41 to 80 है तो 1000, 81 to 100 है 2000, और ग्रेटर देन 100 है तो 5000। जैसे मैंने ये यहाँ पे लगाया ना, सेम चीज यहाँ भी लगेगा। क्या इसका इफ अगरेज ये लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, फाइव हंड्रेड फिर अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 1000 है एटी तो, एटी फिर वन एटी थाउजेंड है माफ कीजिए, 80 है, 80 है तो 1000, और वन फिर अगेन इफ इसको सेलेक्ट किया बोला लेस देन इक्वल टू थाउजेंड लेस देन 100 100 100 है तो यहाँ पे 2000, बेटर फिर यहाँ पे अगेन इफ दिया और इसको सेलेक्ट किया देन और बोला हंड्रेड लेस देन इक्वल टू यानी ग्रेटर देन ग्रेटर, हाँ 100 ग्रेटर देन होगा जी टू इज ग्रेटर देन 100 तो 5000। 5000 ठीक है, तो दीपक जी यहाँ पे हम इफ इफ का यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। हालांकि इंसर्ट में इफ पे और भी फॉर्मूले हैं, जाते हैं लॉजिकल फंक्शन में, ये हाँ लॉजिकल, तो इसमें कुछ और फॉर्मूले भी हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे आपके साथ, ठीक है सर। लेकिन उससे पहले हम इफ का लेंगे एक टेस्ट, तो टेस्ट हम आपके लेंगे कल, आज का टाइम देते हैं प्रैक्टिस।